सुबह के चालू किए थे और पहुंच चुके हैं फाइनली पैंगोंग। और सोनम क्या बोला था, हाँ तेरे पे भरोसा है कि नहीं भरोसा है? हाँ। कितना उड़ाया कि नहीं उड़ाया, सही टाइम पे आया। अरे चार घंटे में लेके आया ये आदमी, चार घंटे में। अरे चार घंटे में। मॉर्निंग गाइस, यार अभी बज रहे 5:30 और शायद से मैं थोड़ा सा लेट हूँ, पहले ना फटाफट जाके मार्केट देख के आता हूँ। हाँ तो ये हो गया। अभी आप लोग बोलोगे कि यार ये ऐसे कौन से कैंप में रुका है कि इधर पानी के भी वांदे हैं, तो पानी वानी के वांदे नहीं है, द रीज़न इज इलेक्ट्रिसिटी। इसी की वजह से एक्चुअली कल मैं रात को व्लॉग भी एंड नहीं कर पाया, मतलब 11 बजे इन लोग का इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, मतलब इन्होंने कट कर दिया। तो यहाँ पे नुब्रा में रात को अराउंड 11 बजे सब लोग इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर देते हैं और मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास चालू करते हैं। तो यस, उसी की वजह से मैं कल व्लॉग एंड नहीं कर पाया और अभी एकदम ऐसे हड़बड़ी में उठा हूँ और फटाफट पहले जाके बकेट दे के आया। अभी वो भाई आके दे देगा गर्म पानी का बकेट, फिर अपन नहाएंगे धोएंगे एंड फटाफट निकल लेंगे। यार नहाना तो आई रियली डाउट, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है तो भाई नहाना हमसे ना हो पाई। आ गया है गर्म पानी हमारा, तो गर्म पानी तो आने दें, पर खतरों के खिलाड़ी वाला काम ये दोनों में से कौन करने वाला है? आज वो तो धो लेंगे। ले भाई अभी आ गया, चलो। हाँ रख दे चलेगा। यार 15 मिनट लग गए बकेट आते आते। तो बंदे को मैंने पूछा तो उसने बोला सर किसी ने अपने कैंप में शायद से टैप ऑन रख दिया रहेगा तो पूरा टंकी खाली हो गया। यार उसकी वजह से प्रेशर नहीं आ रहा, पानी एकदम पतला पतला रहा है। यार भाई इधर आते हो नेचर में तो थोड़ा सा सावधानी बरतो यार, मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और उसमें भी आप ऐसे सब चीज़ें करोगे कैसे चलेगा यार। छोड़ो अभी मैं जाता हूँ अंदर, बिकॉज ये बहुत हेवी है, बिल्कुल रखना है, देखता हूँ अभी फटाफट। चलो। A few moments later. Hey guys, good morning to all and welcome back to my YouTube channel Baba Pancho. अभी एकदम finally ready होके निकल गया हूँ। तुम्हारे भाई का तो एकदम फटाफट हो गया, ये लोग अभी भी ready हो रहे हैं। तो तब तक मैं वो बंदे को बुला लेता हूँ, bags गाड़ी में डलवा देते हैं और नाश्ता तो on the go ही कर लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पैंगोंग लेक वाया शयोक, और पैंगोंग से जाएंगे हम लोग रात को मतलब शाम तक पहुंचने का हम लोग का टारगेट है ले में। तो बीच में हम लोग को पड़ने वाला है चांगला पास भी, विच इज़ अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स, मतलब खारदुंगला तो सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद में जो टॉप 5 में आते हैं उसमें से एक शायद से चांगला पास है। और अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ दिस इज़ हुंदर, और हम लोग यहाँ पे रुके थे नुब्रा बुटीक कैंप, इट वॉज़ रियली प्लेजेंट स्टे, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मतलब यार इतना कोऑपरेटिव स्टाफ, सुबह 5:30 बजे उठ के बाल्टी लेके भाग रहे हैं और बेचारा यार क्या ही कर सकते, मतलब यहाँ पे लाइट्स का बहुत पंगा है। तो इफ़ यू आर कमिंग डाउन टू नुब्रा हुंदर दिस्कित, तो मेक श्योर आपकी जो भी सब चीज़ें हैं वो रात को 11 बजे के पहले सब निपट जाए, मतलब पैकिंग शैकिंग जो भी है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे के बाद में ही आपको लाइट मिलने वाला है। अभी मैं भागता हूँ, सब सामान पहुँचा देता हूँ, फिर नाश्ता भी पैक करके लेना है। चलो भाई गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति उंदीर मामा की जय। और आपका क्या था वो? किक्की सोसो किक्की सोसो लाड गेलो, किक्की सोसो लाड गेलो, किक्की सोसो लाड गेलो। यार इनके इसमें भी जब स्टार्ट करते तो अपने में गणपति बप्पा, और इनके लद्दाखी इसमें ये बोलते हैं, यार बहुत क्यूट है, बहुत ऐसे एकदम स्वीट साउंड करता है। तो भाई फाइनली निकल चुके, एज यूजल हम लोग लेट है आज भी, और ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है, सुबह उठ कर भी नहीं हो पाया। सह लेंगे थोड़ा सा। अरे हम लोग को सोनम के ड्राइविंग पे पूरा भरोसा है, कितने भी बजे निकल ले सोनम उड़ा उड़ा के पहुंचा देगा। हाँ भाई सीरियसली कोई घाई नहीं है, बट जेन्युइनली आराम से निकलेंगे, कोई लोड नहीं है, एक आध घंटा लेट पहुंचेंगे चल जाएगा, घर पे लेट पहुंचे तो भी चलेगा। हाँ Thank you.
है वहाँ पे आप ATV राइड्स और वो सब कर सकते हो, और एक यहाँ पे लिखा हुआ था कि लॉन्ग वर्ल्ड लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बनाया हुआ जिप लाइन है, सो यू कैन एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो। बट अभी हम लोग मॉर्निंग में निकले हुए तो अभी ये बंद है, और वो जो ATV राइड्स और ये सब है वो भी ऑलमोस्ट शाम को ही खुलता है, जैसे वो कैमल राइड भी था सुबह में बंद रहता है, शाम को ये सब खुलता है, बिकॉज सब टूरिस्ट शाम के टाइम पे ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, सुबह में तो सब लोग रिटर्न की जर्नी पर रहते हैं। यहाँ पे दो स्पॉट्स हैं, एक थोड़ा पहले आपको लगेगा, उसके बाद में भी दूसरा स्पॉट है, वहाँ पे भी मतलब एक जगह अगर भीड़ होगी तो आप दूसरी जगह जाके भी कर सकते हो। कुंदर से खारदुंगला जाने वाला जो रोड है उसके बीच में एक बाईपास आता है, वो रोड सेपरेट हो जाता है टुवर्ड्स पैंगोंग। भाई साहब ये वाला जो रोड है ना टुवर्ड्स पैंगोंग वाला, अभी जो हम लोग आया श्योप जा रहे हैं, मतलब कंडीशन में है ठीक ठाक, बट एक साइड में पूरा स्लोप मतलब पूरा वैली। अगर आप एकदम मंजे हुए ड्राइवर नहीं हो तो फिर भाई थोड़ा संभल के। अलग लेवल का एडवेंचर चल रहा है, मतलब पूरा ऐसा रोलर कोस्टर राइड चल रहा है, नाला जैसा बहता है क्योंकि अभी तो ये सूखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, बीच बीच में ये पानी का थोड़ा थोड़ा। जब जुलाई अगस्त में ना सोनम, जुलाई अगस्त में सुबह आपको 10 बजे के पहले ये क्रॉस करना पड़ता है। दे निकल के हो गए अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे, एंड नाउ हाफ वे हो गया क्या? हाँ हाफ वे हो गया ऑलमोस्ट, एंड नाउ वी टुक अ हॉल्ट एट श्योक, और यहाँ पे एक मस्त कैफे दिख रहा है यार, और माउंटेन्स के बीच में, ऑब्वियसली यहाँ पे तो माउंटेन्स के बीच में होने वाला है। अभी क्या बकवास कर रहा है यार, क्या कर रहा है यार, सीरियसली यार। हाँ इधर मस्त गर्म, बाहर ठंडी है यार, इधर थोड़ा सा गर्म है, वार्म है इधर। कावा है सर? हाँ सर। तो फिर और जिंजर हनी लेमन टी, अरे दोनों भी एक एक कर दो यार। 2 दिन बाद अपने को ऐसा कावा मिल रहा है जिसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए यार, सीरियसली। ब्रेक इज फिनिश्ड, यहाँ पे एक चकना आइटम मिल गया, हल्दीराम का पीनट्स, सॉल्टेड पीनट्स, तो वो उठा लिया यार, मतलब रास्ते में थोड़ा मंचिंग मंचिंग। An hour later. सुबह के चालू किए थे और पहुंच चुके हैं फाइनली पैंगोंग। और सोनम क्या बोला था? हाँ तेरे पे भरोसा है कि नहीं भरोसा है? हाँ। कितना उड़ाया कि नहीं? नहीं उड़ाया, सही टाइम पे आया। अरे 4 घंटे में लेके आया ये आदमी, 4 घंटे में। अरे 4 घंटे में भाई जो उड़ाया है ना गाड़ी ये बंदा, मतलब जो मस्त लेके आया, हम लोग को लगा हम लोग को लेट हो गया है 1-1.5 घंटा, बट बहुत सही टाइमिंग में पहुंचा है। जो हम लोग का एक्सपेक्टेड टाइमिंग था 12 बजे यहाँ पे पहुंचने का, अभी बज रहे एग्जैक्ट 11:56 हो गया, मतलब पकड़ लो, तो बस पहुंच गए एकदम टाइमिंग पे। एंड दिस इज पैंगोंग लेक, यार ये देखो पीछे, मतलब क्या ही है, तो पूरा लाइन में दिख रहा है, पूरा लाइन में वो 3 इडियट्स वाला लगा दिया, वो बम्प्स लगाया है, वो स्कूटर लगाया है यार, 1-2-3 ठीक है ना, इतना सारा लगाने का क्या जरूरत है, पूरी बैंड बजा रहे सब लोग यार। मतलब मेरा पर्सनल व्यू है, हर एक का व्यू अलग अलग हो सकता है, टूरिज्म के चक्कर में नेचर की बैंड मत बजाओ यार। एनीवेज कोई नहीं, आप लोगों को थोड़े पैंगोंग लेक के सीनिक शॉट्स दिखाता हूँ और हम लोग भी थोड़ा घूम आते हैं। जरा भी सेंस नहीं है, मतलब यहाँ पर भी आते हैं और कचरा फैला रहे हैं, मतलब बियर की बोतल पड़ी हुई है, मतलब फोड़ के वो भी, मतलब ऐसी गिरी हुई भी नहीं है, प्लास्टिक की बोतल डाली, गुटखे के पैकेट्स डाले हुए हैं, क्या यार क्या बकवास कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, थोड़ी तो मतलब थोड़ी तो शर्म करो यार। तो प्लीज़ कैरी वन बैग विथ यू,
एंड जो भी प्लास्टिक है, जो भी आपका कूड़ा कचरा है, प्लीज़ उसके अंदर डालो और डस्टबिन में जाके डालो किधर, तो ना कि यहाँ वहाँ फैलाओ यार, प्लीज़। 2000 years later भाई हो गया सब, सेल्फी वेल्फी सब हो गया, अभी निकलने का टाइम आ गया, बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है, मतलब थोड़ा भूख भी लग रही है। बैक टू गाड़ी, देखते यार यहाँ पे कुछ खाने मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाके देखेंगे। पब्लिक आ रही है, मतलब है ना, आए जा रही है, ये गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ, ये और एक गाड़ी जा रही है, मतलब हम लोग वहाँ से निकले और क्या टाइमिंग हुआ भाई। तो अभी हम लोग आगे आ गए हैं, थोड़ा भूख लग रही है तो हम लोग रुके यहाँ पे तामसी करके, एक पुलिस चेक पोस्ट है उसके बाजू में ही एक कैफ़े है, तो वहाँ पर रुके थोड़ा खाना वाना खाएँगे और फिर आगे क्या करना है देखते हैं। लोग की हालत इतनी टाइट है, हम लोग रुके बट हम लोग का सिर पकड़ लिया, रास्ते बहुत ऐसे आड़े टेढ़े थे और एक दो जन का वो भी हो चुका है कार्यक्रम, तो मुझे भी थोड़ा सा सिर पकड़ रहा है, मतलब उतना तब से कुछ लगा नहीं इतना, बट अभी जब बैठ रहे हैं ना तो सिर दुख रहा है, पेट में भी ऐसे गुड़गुड़ हो रहा है, शायद से कुछ खाया नहीं इसलिए भी हो सकता है, बट गॉड नोस। तो थोड़ा 2 मिनट रेस्ट करते हैं। खाना खा के तो निकल चुके हैं, खाना मतलब ऐसा खाना नहीं खाया हम लोगों ने, ऐसे ब्रेड और मैगी खाया है, फ्रेश लेमन सोडा पिया है, ये बंदे ने सबसे दबा के खाना खाया है। क्या क्या खाया? राइस दाल रोटी सब्जी। हम लोगों का थोड़ा सा, सब लोगों का थोड़ा तबीयत डाउन था तो हम लोगों ने बस थोड़ा थोड़ा खा लिया। अभी किधर, अभी चांगला आएगा ना, तो अभी चलते हैं चांगला की तरफ, चांगला पास। एक्चुअली वो पास नहीं है, चांग इज ये एंड द ला इज द पास इन लद्दाख, तो हम लोग उसको चांगला पास भी बोल रहे, पता नहीं चांगला। अलग लेवल का ऑफ रोडिंग चालू है भाई, मतलब मेन रोड छोड़ के एक डाइवर्जन छोड़ ना जाने दे भाई, मेन रोड छोड़ के एक डाइवर्जन, फिर वो डाइवर्जन पे आए तो और एक डाइवर्जन, और उस डाइवर्जन से ये अभी तीसरा डाइवर्जन, और उस पे लगा है ट्रैफिक जाम यार। अबे आज जैसे पूरा बॉडी का मसाज हो गया। नाउ आई एम एट चांगला पास यार, मतलब चारों तरफ बर्फ, मैं अकेला बाहर उतरा हूँ, ये तीनों भी गाड़ी में बैठे हुए हैं कि सब लोग की तबीयत थोड़ी डामाडोल है, मतलब यार रास्ते इतने ख़राब थे, बॉडी भी पेन कर रही है और थोड़ा सा नौशिया और ऐसा वॉमिटिंग फीलिंग हो रहा है यार। तो ठीक है, मैं तुम लोग बैठो, मैं फटाफट फ़ोटो खींच के आता हूँ और एक दो वीडियोज़। सिटी में आ गए हैं बट होटल नहीं पहुँचे, थोड़ा यहाँ पे कैंपस में रुके, नेहा की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है यार, मतलब सब लोग की थोड़ी थोड़ी डाउन है और स्पेशली नेहा की थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो शायद इसके फूड में उसका कुछ चेंजेस हो गया या पता नहीं, और कल रात से मतलब सबका नींद भी पूरा नहीं हुआ, मतलब सुबह 5:30 बजे उठे, रात को अराउंड 12-12:30 बजे सोए हैं, तो नींद पूरा नहीं हुआ है, सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं,
तो थोड़ा सा ये जो शेड्यूल है वो थोड़ा हेक्टिक है। पहले दवाई लेते हैं, फिर आपको मैं वहाँ पे जाके बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। हुंदर से पैंगोंग इज अराउंड 5 आवर्स जर्नी, एंड पैंगोंग से ले अगेन इज अ 6 आवर्स जर्नी, तो 11 आवर्स जर्नी हो रही है। तो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। सो बहुत जन करते हैं ये रूट से भी ट्रैवल, बट एज आई सेड जैसे हमारा शेड्यूल 19-20 हो गया था, उसके वजह से थोड़ा सा तकलीफ हुई है हम लोग को। और एक चीज़ थी कि यहाँ के जो रास्ते थे उनकी कंडीशंस थोड़ी सी खस्ता थी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा खस्ता थी, स्पेशली जब हम लोग चांगला पास से नीचे उतर रहे थे लेह में, तो इन बिटवीन जो रास्ता था बापा, मतलब भाई साहब पूरा एडवेंचर राइड, और ये रोलर कोस्टर पूरा मतलब सब कुछ हिल गया। एक डाइवर्जन मतलब मेन रोड से एक डाइवर्जन, वो डाइवर्जन से जब हम लोग ऑफ रोड गए तो ऑफ रोड से और एक डाइवर्जन, मतलब क्या ही बोलूँ। एनीवेज नाउ एवरीवन इज़ फाइन, सबकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, तो अभी जो बची कुची ट्रिप है उसको एन्जॉय करते हैं एंड ये चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं। तो अभी बात करते हैं जहाँ पे मैं बैठा हूँ, दिस इज़ पलाशेषे गेस्ट हाउस, उनके गार्डन एरिया में मैं बैठा हूँ एंड दिस इज़ रियली नाइस प्रॉपर्टी। इनका गार्डन एरिया भी अच्छा है, अभी बहुत कुछ चीज़ें रिनोवेशन में गई है, आपको मैं पूरा टूर ही दिखा देता हूँ इसका। बट अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि सनलाइट इज़ ऑलमोस्ट गॉन, तो मैं आपको कल सुबह अर्ली मॉर्निंग इसका पूरा टूर दे दूँगा। और अभी मैं जाता हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। प्रॉबली हम लोग प्लान कर रहे हैं मार्केट जाने के लिए, बट पता नहीं मार्केट गए तो गए, नहीं तो फिर डिनर पे मिलते हैं। तो भाई साहब आया था मैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए और यहाँ आके काम करते बैठ गया, और अभी डिनर भी रेडी हो गया है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। नेहा ने वहाँ पे चालू भी कर दिया। हम लोग एक्चुअली जा रहे थे नीचे डिनर करने के लिए, बट जिमी को बोल बोल के थक गया, फिर भी बोला नहीं नहीं मैं आपका डिनर ऊपर लगाता हूँ, तो उसने यहाँ पे डाइनिंग एरिया में डिनर लगा दिया। दिख तो भाई एकदम बढ़िया वाला रहा है। काय का है? ओके, पनीर की सब्जी, दाल तड़का, रोटी एंड सलाद एंड राइस एंड पापड़। चलो यार अभी थोड़ी पेट पूजा, मिलता हूँ बाद में। भाई साहब इतना दबा के खाना खाया और बाद में हम लोग के कप्पे चालू थे, मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा उधर ही चला गया, और फिर जो नींद आई है सीधा बेड पे आके क्रैश हो गया। एंड देन आई रियलाइज कि यार आज भी मैं व्लॉग एंड करना भूल गया, तो अभी जस्ट ये रीडिंग लाइट ऑन किया है एंड अभी मैं ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग और जो अपनी पैंगोंग की जर्नी थी फ्रॉम हुंदर टू पैंगोंग एंड पैंगोंग टू ले पसंद आई होगी। हम लोग के लिए थोड़ी टायरिंग थी, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी हो जाती है, ऑलमोस्ट 11 आवर्स की। सो आई सजेस्ट अगर आपको कोई अच्छा स्टे मिल जाए पैंगोंग में तो आप वो कर लो, या फिर ये 11 घंटे की जर्नी कंपलसरी है भाई अगर आप हुंदर से जा रहे हो तो। तो फिर अभी के लिए बस इतना ही, आपको मिलता हूँ मैं कल सुबह। टिल देन यू गाइस, आज का ब्लॉग ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस, खात रवा फिरत रवा एकदम मजेत रवा, एंड प्लीज़ बी काइंड टू एनिमल एंड नेचर।